टिकट दर में हुए घट की वजह से बेस बस में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस वजह से बेस बस की फेरियों की संख्या भी बढ़ी है। इसी के साथ बेस का आर्थिक नुकसान भी बढ़ रहा है। आने वाले 1.5 साल में 1063 बस गाड़ियां भंगार में निकलने वाली है। इस वजह से अब जल्द से जल्द और नए बेस्ट बसों को उपक्रम में शामिल करना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। नई मुंबई जैसे सुनियोजित शहर में खुद का घर हो, ऐसे हर एक की ख्वाहिश होती है। मंगलवार को सिडको ने जाहिर किए महागृह निर्मिति के 9248 और स्वप्नपूर्ति गृह प्रकल्प में से बचे 810 घरों की मंगलवार को नेरुल आकरिकोली भवन में सोड़त निकाली गई। इसमें से भाग्यवान 10,000 विजेते अल्प उत्पन्न गट और आर्थिक दुर्बल घटकों में से है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। नई मुंबई वाहतूक पुलिस को और 4 साल सड़क बांधकाम की वजह से वाहतूक की समस्या सुलझाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसमें वृद्धि भी हो सकती है। हर दिन धूल मिट्टी धूप बारिश में यह खड़े रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। इस धूल मिट्टी और मौसम का इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। वस्तु और सेवा कर न भरने वाले व्यापारियों से GST वसूलने के लिए रायगढ़ जिला GST विभाग ने कार्रवाई की धड़क मुहिम छेड़ी है। 2100 व्यापारियों के पास 200 करोड़ रुपए का वस्तु और सेवा कर थकित है। GST न भरने वाले व्यापारियों पर गुनाह दर्ज किया जाएगा, ऐसी जानकारी राज्य कर विभाग ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज। पनवेल RTO कार्यालय ने अप्रैल से अक्टूबर इन 7 महीनों की कालावधि में अवैध प्रवासी वाहतूक करने वाले 278 वाहनों पर कार्रवाई कर उनमें से 33 वाहन जब्त किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV न्यूज।